खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, उम्मीद मुझे बहुत थी, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, कौमी खेल के साथ जब ऐसा होगा ना तो मेरे नहीं ख्याल को ऐसा पाकिस्तानी हो जिसको ये सही लग रहा हो, बुरा ही लग रहा होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी की जो खराब कारकर्दगी है इसकी असल वजह क्या है, इतनी मायूस कुन कारकर्दगी के पीछे आखिर किसकी शानदार काविज थी जो ये हशर हुआ हमारा। इंडिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को फिर पेल दिया एक बार, मतलब घंटा बजा दिया इंडिया की हॉकी ने हमारा। यार आप बताओ ना, आप बताओ, बातें करने से जीतते हैं या परफॉर्मेंस से जीतना है? आपकी क्रिकेट, आपकी हॉकी, आपकी कबड्डी, आपकी हर एक स्पोर्ट को इंडिया एक्सपोज किया जा रहा है और टांगों पे टांगे रख के बैठे रहो। आपको एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से अपडेट करते हैं। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। हॉल आज एक शानदार मौका था पाकिस्तान के पास कि वो 2016 के बाद कोई एक जीत भारत के अगेंस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंडिया एज एक्सपेक्टेड दे वर द फेवरेट्स बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एट द एंड दे वन 2-1। पाकिस्तान ने पहले अपने खाता खोला था, पहला गोल किया था, लेकिन उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ही वाज अमेजिंग। जब जीत नहीं सकते, नहीं कोशिश तो की ना, अच्छी अच्छी फाइट तो की ना उन्होंने, तीन शॉट्स को 2-1 से इसमें शिकस्त हुई। मुकाबला जाहिर किया, लेकिन मुकाबला दिले ना तवाने ने तो खूब किया जनाब। और ये दिलचस्प भी रहा मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में एक ही मुकाबले में 2 गोल से जी शिकस्त हुई है। तो जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। हॉकी हमारे दिलों के बड़ा करीब रहा और हम जो 80s और 90s की जनरेशन ग्रो अप हुए हैं, हमने तो बड़े जबरदस्त पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक में अच्छा खेलते हुए और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफियां जीतते हुए देखा है। दुख तो होता होगा। खत्म। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक बार भारत ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान को 2-1 से बुरी तरह ठोक दिया। दोस्तों आज भारत ने पाकिस्तान को साबित करके बताया, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो, पाकिस्तान भारत के आगे कभी नहीं टिकता। पाकिस्तान में बैठे हर कोई लाइव टीवी चैनल में बैठकर फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। इंडिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को फिर पेल दिया एक बार, मतलब घंटा बजा दिया इंडिया की हॉकी ने हमारा। यार आप बताओ ना, आप बताओ, बातें करने से जीतते हैं या परफॉर्मेंस से जीतना है? इंडिया की हॉकी टीम ने एशियन गेम में आपको अभी अभी पहला है। आपकी क्रिकेट, आपकी हॉकी, आपकी कबड्डी, आपकी हर एक स्पोर्ट को इंडिया एक्सपोज किया जा रहा है और टांगों पे टांगे रख के बैठे रहो, क्योंकि आप लोग तो अपना बाल खाने आए हुए ना। इधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, इधर झंडे का नुकसान हो रहा है, इधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप उनकी क्रिकेट देख लो, आप उनकी हॉकी देख लो, आप उनकी लड़कियों की देख लो गेमों को, आप उनके, मैं कहता हूँ जिधर भी चले जाओ वो आपको जो है वो डोमिनेट करते नजर आते हैं। और हम, हमारा सत्यानाश है, हम इतने कोई जलील के बच्चे हैं, इतने कोई जलील के बच्चे हैं, हमें सिर्फ बातें करना आती है, परफॉर्मेंस में हम बिल्कुल जीरो हैं, परफॉर्मेंस में हम लसन लगवा चुके हुए हैं और पाकिस्तान का अपनी कंट्री का नुकसान करवा रहे हैं। आज इंडिया को देखो, उन्होंने अपनी कंट्री का किस तरह नाम बुलंद किया। आप लोगों को इंसल्ट करनी है, आप लोगों को नीचा दिखाना आता है सिर्फ। ये जो हॉकी की परफॉर्मेंस है यार, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। इस साल जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इंडिया की हॉकी ने आपको पहला है, कबड्डी में वो आपको हरा रहे हैं, फुटबॉल में वो आपको हरा रहे हैं, हर जगह पे आपको हरा रहे हैं, आपका गड्ढा जा रहे हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, उम्मीद मुझे बहुत थी, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, कौमी खेल के साथ जब ऐसा होगा ना तो मेरे नहीं ख्याल को ऐसा पाकिस्तानी हो जिसको ये सही लग रहा हो, बुरा ही लग रहा हो, जो खराब कारकर्दगी है इसकी असल वजह क्या है, इतनी मायूस कुन कारकर्दगी के पीछे आखिर किसकी शानदार काविज थी जो ये हशर हुआ हमारा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप तैयारी करके जाए। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अच्छा स्टार्ट लिया था, डिक्लाइन पे जो पाकिस्तान की हॉकी टीम गई है उसकी मेन वजह यही है। जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं होगा, गवर्नमेंट उनको इस पर पैसे नहीं देगी, खर्चा नहीं देगी, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि इसको हॉकी प्रमोट होना इतना आसान नहीं। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों किस तरह भारत ने पाकिस्तान को एशियन चैंपियन ट्रॉफी यानी हॉकी में 2-1 से बुरी तरह हराने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। भारत सभी खेलों में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कोई सा भी गेम हो, पाकिस्तान से कोसों दूर आगे निकल चुकी है। दोस्तों भारत की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।